इस वक्त की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आपको हम बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। देखिए, राजधानी पटना में जाली नोटों का और शराब तस्करी का खेल लगातार चल रहा था और पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर कहीं ना कहीं बड़ी सफलता मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पुलिस ने जाली नोट छापने के साथ साथ शराब की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। तो वहीं मामला एसकेपुरी थाना का बताया जा रहा है, जहां एसकेपुरी थाना क्षेत्र के आनंदपुरी इलाके में स्थित अपार्टमेंट का यह मामला है। यहां अपार्टमेंट फ्लैट में शराब के साथ साथ जाली नोट छापने का लगातार कारोबार किया जा रहा था। तो वहीं लगातार जो है कहीं ना कहीं जो जाली नोट है वो सप्लाई किया जा रहा था, शराब तस्करी की जा रही थी। तो वहीं एसकेपुरी थाना को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। तो वहीं इस बड़े मामले का भंडाफोड़ किया। बता दें आपको कि 1,76,000 नगद जाली नोट बरामद किए गए हैं, जबकि शराब की भी जब्ती की गई है। बता दे आपको कि पुलिस लगातार गिरोह के पूरे कहीं ना कहीं उद्भेदन में जुट गई है। तो वहीं लगातार जिस तरीके से गुप्त सूचना मिल रही है उसको देखते हुए पुलिस छापेमारी कर रही है। तस्वीर देखिए किस तरीके से 500 का जाली नोट आपको दिख रहा होगा। लगातार जाली नोट का धंधा जो है वो चल रहा था। एसकेपुरी थाना क्षेत्र का यह मामला है। बता दे आपको कि जो तस्कर है, जो धंधेबाज है जाली नोट के, जो शराब माफिया है, वो लगातार ये सब काम कर रहे थे। तो वहीं इस वक्त की NBC 24 आपको सबसे बड़ी खबर बता रहा है। देखिए, लगातार बिहार में जो नोट तस्कर हैं उनका कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा हुआ है, शराब माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। और इसको देखते हुए राजधानी पटना में लगातार शराब का धंधा हो या फिर जाली नोट का धंधा हो, लगातार जो माफिया है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और जाली नोट के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। तो वहीं जो पिंकी प्रसाद है, दरोगा है एसकेपुरी की, वो क्या कुछ कह रही है वो सुने आप लोग। ये क्या मामला है, जाली नोटों का जखीरे के साथ साथ दो युवक भी गिरफ्तार हुए, क्या कुछ पूरा मामला है मैम? कहाँ से पकड़ाया है? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? दो लोगों की गिरफ्तारी। कितना नोट बरामद हुआ है? 1,77,000 रुपए का नोट। और क्या कुछ बरामद हुआ है? और अर्धनिर्मित नोट है और प्रिंटर मशीन है, शराब है, अंग्रेजी शराब, ये सब बरामद हुआ। कौन कौन से नोट छपे हुए थे? 500 के 200 के नोट छपे हुए। भारी मात्रा में दोनों गिरफ्तार युवक दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? एक कटिहार का है और एक नवादा। पूछताछ चल रही है जी, पूछताछ।